करने के लिए जताया आभार। एसआईजीसी की बैठक में बढ़ोतरी का हुआ फैसला। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी, बनी सब डिवीजन के लोगों में राहत, खुशी से खिल उठे किसानों के चेहरे। रामबन में जानलेवा बना जम्मू श्रीनगर हाईवे, संवेदनशील जगहों पर भी हुई भारी फिसलन, रखरखाव के लिए संबंधित एजेंसी ने मोदी आंखें। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी आज 200 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ठिकानों पर छापे मार रही है। केंद्रीय एजेंसी इन प्रदेशों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 9 ठिकानों की तलाशी ले रही है। यह मामला जम्मू और लुधियाना में चल रही पेपर बोर्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि ईडी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपको बताना चाहेंगे 200 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ ठिकानों पर जो है वो ईडी की तरफ से छापेमारी देखने को मिल रही है। लगातार इस पे छापे पड़ रहे हैं और केंद्रीय एजेंसी इन प्रदेशों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 9 ठिकानों की तलाशी ले रही है। अलग अलग जगहों पर यह तलाशी ली जा रही है। खंगाला जा रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये सारा मामला जो है ये एक बैंक लोन फ्रॉड मामला है, जिसमें पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, तो इन तीन राज्यों के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी हो रही है, यानी ईडी की तरफ से छापेमारी हो रही है। और यह मामला जम्मू और लुधियाना में चल रही पेपर बोर्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यानी जम्मू और लुधियाना में जो पेपर बोर्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री चल रही है, उसका कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जिस पर ईडी की तरफ से जो है वो आज जबरदस्त तरीके से छापेमारी की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये 9 अलग अलग जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छापेमारी कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जगहें हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ जगहें हैं और पंजाब की कुछ जगहें भी शामिल हैं। तो आपको बता दें, आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तरफ से 200 करोड़ रुपए के जो कथित बैंक लोन फ्रॉड मामला है, उसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ईडी की तरफ से छापेमारी देखने को मिल रही है और अलग अलग जगहों को खंगालने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अनिल शर्मा हमारे साथ जम्मू से संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर किन किन जगहों पर जम्मू के अंदर इस वक्त ईडी की तरफ से छापेमारी देखने को मिल रही है। अनिल, जरा मामला क्या मामला है और किस तरह से ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है, कहाँ कहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो किन किन ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी देखने को मिल रही है? जी अनिल, आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो वापस अनिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आपको बताना चाहेंगे कि ईडी की तरफ से जो छापेमारी है वो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिल रही है और इस मामले पर जानकारी मिलेंगे। अनिल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, क्योंकि इस वक्त नेटवर्किंग के चलते अनिल या कोई तकनीकी रूप से जो दिक्कतें हैं उस वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वापस अनिल से जुड़ने की। अनिल शर्मा हमारे साथ वापस जुड़ गए हमारे संवाददाता। अनिल, जरा बताइए ये मामला पूरा क्या है और कहां कहां पर जम्मू के अंदर जो है वो छापेमारी देखने को मिल रही है? देखिए, इस वक्त शीतल अगर हम बात करें तो ये बड़ी खबर निकल कर आई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये 9 लोकेशंस पर इस समय रेड की जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है या उत्तर प्रदेश है। ये विभिन्न इलाकों में जो है इस समय सघन तलाशी अभियान जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो बताया जा रहा है कि लगभग कीमत 200 करोड़ जो है वो बताई जा रही है और जो बैंकों के साथ फ्रॉड किया गया है। इसमें आपको बता दूं कि जिसमें भारत
भारत पेपर लिमिटेड कंपनी है। और इसी के साथ साथ जो है आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत बॉक्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड करकर है, जिसे BBFIL भी कहा जाता है। और ये पूरा बोर्ड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड जो है ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब 9 जगहों पर इस समय जो है ईडी की जो है वो छापेमारी जो है वो चल रही है, जिसको लेकर पूरी तरह से अगर हम यूं कहें कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सतर्क हो चुकी है इन पूरे मामलों को संबंधित। और 3 नाम भी बताए जा रहे हैं जो अभी तक शुरुआती तौर पर निकल कर आए हैं, राजेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार और अभी तक बलजिंदर सिंह भी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ध्यान उसने नहीं दिता, लेकिन आज जरूर मैं ध्यान दे रहा। और जेडी गल खास करके संदीप सिंह जी ने कही, सरदार संदीप सिंह जी ने कही कि मेरा बहुत ज्यादा विश्वास जाति पाति च नहीं हैगा। ये ठीक है कि हर काम के पीछे कोई एक आदमी होंदा, उदा ना होंदा, सब होंदा, लेकिन जिस वेले दा ना मैं पढ़ रहा, पता तो मैंने पहले लग गया सी, लेकिन आज मैं थोड़ा अजीब लग रहा, क्या कि हरियाणा के सिखों की सेवा में खट्टर। देखा जावे तो उदेच जाति दा भाव तो आ ही गया, उन्होंने किवें ठीक किया जा सकता। मैं बैठा बैठा सोच रहा सी, मैं सोच रहा सी क्या टाइटल बदलिया जा सकता। तो डॉक्टर प्रवीण सिंह जी नाल मैं गल की, वो कहने लगे बहुत सारिया हजारा पुस्तक छप गई। मैं क्या छप गई ता भी यदा जरा कवर है वही तो बदलना, वो चो एक ठीक है सेवा का भाव आना चाहिए, हरियाणा का गुरबाणी का भाव आना चाहिए, लेकिन ना अगर मनोहर लाल लिखता जाए ना बहुत है। इस करके ये ना का थोड़ा विचार करो, गुरबाणी की सिख सेवा, जो बोले सो निहाल, गुरबाणी की सिख सेवा, जो बोले सो निहाल, सेवक मनोहर लाल। मन का जरा भाव है दसने च मैं हर्ज नहीं है, फिर भी जिन्होंने करना उन्होंने करना, जो मंजूर हो तो देख लेना, जो इन्ना खर्चा किया थोड़ा होर कर लेना। मेरे एक साथी ने मैंने दसिया कि एक बार किताब, ये सन 1952 की गल उन्हें दसी, कोई किताब छपी सी, लेकिन उस वेले किताब तो बहुत अच्छी छपी, बाद किसी ने टाइटल इतराज किया तो वो तो 10 लाख किताबा छपिया से, उसका टाइटल बदल के फिर दोबारा चालू की गई वो किताब। लेकिन ये तो बहुत बड़ी गल नहीं है, थोड़ा ही है टाइटल बदलना, उन्होंने बदल के ठीक कर लेना, यह मेरा निवेदन है। मैं आज जिथे सरदार प्रभजीत सिंह जी की सराहना करना, उत्थे प्रकाशन जड़ा है साड़ा विभाग सरकार का है, सूचना और प्रसारण विभाग, भाषा विभाग, मनजीत सिंह जी, मनदीप सिंह जी बराड़ उसनों देख रहे हैं। मैं उन्होंने भी शलाघा करना कि उन्होंने इस किताब को छुपाने का भी जो काम किया है। और इस किताब के असी जिसलिए अज निकलांगे बाहर, तो सानू एक किताब वास्ते या क्या गया है कि असं अपनी मर्जी की किताब ले जा सकते हैं, 3 भाषावां च है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है। तो मैं मजाक कर रहा भी जाने वाले उन्होंने कह देना भी एक किताब ले जाना, 3-3 ना ले जाना, फिर पूरिया नहीं होनगियां, सबनों मिल जाए, यदा हिसाब रखना, ध्यान रखना। वो असी देखांगे तो जो असी 8-9 साल काम किए है वो सारे का वर्णन है। गुरु नानक देव जी की जयंती शताब्दी, गुरु गोबिंद सिंह जी की शताब्दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाँ पर जो असी प्रोग्राम किए हैं, गुरु पुत्रां ते जो भी असी कार्यक्रम किए हैं, वह सारे उदे च अलग अलग जगह के वर्णन दिते है, भावें वह पानीपत का प्रोग्राम होवे, भावें सिरसा का होवे, यमुनानगर का होवे, करनाल का होवे, कुरुक्षेत्र का होवे, सब जगह प्रोग्राम होए तो उन्हां दा उल्लेख किया। जिहड़ियां शख्सियतां उदे च आईयां ने उन्हां दे भी फोटो उदे च लगाए गए है, वह सारा वर्णन जिहड़ा है वह सारा किया जा चुकिया। गुरु तेग बहादुर जी के शीश का वह भी वर्णन किया गया कि बड़ खालसा पिंड खुशहाल नाम का जोड़ा
सिख सी, उन्हें अपना सिर दे के सिर तड़तवाला करा के ते गुरु साहब दे शीश दी जगह अपना उस सिर रखवा लिया और उस शीश नू मुगलों की सेना लेके चली गई। तो गुरु साहब का जरा असली शीश सी वह आनंदपुर साहब पहुँच पाया। उत्थे भी असी एक म्यूजियम बनाया। ये सारिया चीज़ा भावें पुस्तक होन भावें म्यूजियम होन ये जाते हैं कि जी आने वाली पीढ़ी है उन्होंने इन चीज़ों का आभास हो साडे गुरुआ ने साडे महापुरखा ने की कम किए है वो सारे कम जे हो उस रस्ते चलने की प्रेरणा ये उन्होंने मिले इस तरह इस तरीके ही सारा कुछ होया है। हरियाणा यहोजी धरती है जिथे अपने दशम पातशाही दे और नाल बंदा सिंह बहादुर जी दे जिन्हें भी स्थान ज़्यादा ने मतलब इन्हें पंजाब भी नहीं है जिन्हें स्थान हरियाणा च ने गए और उन्हां सब जगह पर गुरु घर स्थापित हुए ने। इन गुरु घरां दी जिहड़ी मैनेजमेंट है इहदा भी झगड़ा कई साल तक चलता रहा। अखीर सानू लड़ाई हो सुप्रीम कोर्ट से जा के उसकी मजबूती नाल पैरवी करनी असी कीती तो उहदा फैसला हरियाणा के सिखां दे हक विच करवाया है। अलग मैनेजमेंट कमेटी बन गई है। उहदा हेतु इहो ही सी, साडा कोई राजनीतिक पहलू नहीं है लेकिन पंजाब दे हालात नूं देखदिआं हरियाणा च असी सिखां दे उत्थान वास्ते सिखां दे कमां दी ज़्यादा शलाघा भी कर सकते हैं जनता नूं दा फायदा ज़्यादा होवे असी सारे गुरु घरां दे राही जनता की सेवा कर सकते हैं अच्छे तरीके नाल कर सकते हैं। मैनेजमेंट अगर साड़ी अलग होएगी तो इत्थों दा जिहड़ा मानो जो भी साधन कट्ठे होंदे इत्थे गुल्लक राही असी इत्थे दे समाज ते या गुरु घरां दी मैनेजमेंट वास्ते अच्छे तरीके नाल लगा सकते हैं। उहदा इन्ना ही मतलब है और ज़्यादा नहीं है। उहदे पिछे कोई राजनीति नहीं है और ना ही असी कोई राजनीतिक दखलअंदाजी उस मैनेजमेंट कमेटी रखनी है। पंजाब दी अलग गल है वो सारी राजनीति अपनी उस मैनेजमेंट राही करते रहते हैं। साडा कोई मतलब नहीं उहदे नाल। उहदी मैंबरशिप नवी बन रही है अलग इलैक्शन कमिश्नर बन चुके हैं वो किस वेले उहदा इलैक्शन का सारा टाइम टेबल शड्यूल जारी करते हैं उन्हां ते डिपेंड है। असीं तां कहिंदे आ जल्दी तो जल्दी हो जाए ताकि एक चुनी हुई बॉडी जिहड़ी है वह सारे गुरु घरां दी जिहड़ी संभाल है वह कर सके। एक बल्कि दो इहोजियां जगह असी जरूर साडे विचाराधीन ने जिहड़े असी सरकार की तरफों जिनी मदद करनी कर सकांगे। एक तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जिहड़ी राजधानी लोहगढ़ उत्थे एक स्मारक बनाने की योजना ये बन गई है। उत्थे 20 किले जमीन भी लैके उस ट्रस्ट नूं देती गई है तो उत्थे एक वड्डा स्मारक बनाने की योजना बनी है वो साडे डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी उत्थे एक इहो जिहा एक सेंटर बने ताकि देश और दुनिया के लोग उत्थे आ के इस इतिहास नूं जाण सकन। तहत आने वाले कई इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछने लगी है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। खास तौर पर किसान वर्ग के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इस खबर पर भी अपडेट लेंगे लेकिन फिलहाल आपको बताएंगे कि किस तरह से लंबे समय के बाद लंबे अंतराल के बाद अब जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है। एक बहुत बड़ा इंतजार यानी जनवरी का महीना आज खत्म हो रहा है, आज अंतिम दिन है लेकिन आज जनवरी के इस अंतिम दिन में जनवरी महीने की जो अंतिम दिन है इसमें बर्फबारी देखने को मिली है जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में और ये तस्वीरें बनी की हैं जहां पर आज बर्फ जो है वो पहुंची है जिससे किसानों की खुशी देखने को मिल रही है। रंजीव हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे रंजीव का रुख करेंगे। रंजीव, काफी देर के बाद ही सही एक लंबे इंतजार के बाद एक महीना यानी कब जनवरी के महीने में ही बर्फ देखने को मिलती थी लेकिन अब ये महीना खत्म हो रहा है, आज अंतिम दिन है लेकिन आज जाकर लोगों को राहत की सांस मिली है, खासतौर पर किसानों को जो ज्यादातर जो है वो खेती बाड़ी पर निर्भर है या अपनी खेती बाड़ी करते हैं तो काफी देर के बाद ये बर्फ का नजारा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से उनसे जुड़ते हैं। फिलहाल एक बार और तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि इंतजार लोगों को था और आमतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जनवरी के महीने में यानी जनवरी के पहले हफ्ते
या इसके आसपास कहीं ना कहीं बर्फ देखने को मिल जाती है, लेकिन इस बार 2024 की बात करें तो 2024 में जनवरी का महीना पूरी तरह से सूखा देखने को मिला और अब जाकर ऊंचे ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि जम्मू में भी बारिश हुई है और उसके बाद अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है खासतौर पर किसानों के लिए और आने वाले समय के लिए। एक तो गर्मी का बढ़ना, उस पर भी नियंत्रण बर्फ का अहम योगदान होता है, और साथ ही साथ किसान यानी खेती बाड़ी जो फसलें उगाते हैं, फसलों के लिए बेहद ज़्यादा महत्व इस बर्फ़ का होता है, और आज जाकर ये बर्फ गिरी है जिससे लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस मिली है। वापस रंजीव के साथ जाना चाहेंगे। रंजीव, काफ़ी देर के बाद ही सही, लेकिन लोगों को अब जो लोग चाह रहे थे, जो वहाँ पर किसान चाह रहे थे, वो अब उनको मिलने जा रहा है। बिल्कुल शीतल, पहाड़ी इलाके में जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले एक दिन से शुरू हुआ है, अभी तक लगातार जारी है। कठुआ जिले की मैं बात करूं तो वहां के जो पहाड़ी सब डिवीजन जो है, या ज्यादातर इलाका जो बनी सब डिवीजन का है, वहां पे ज्यादा बर्फबारी होती है। उसके अंतर्गत ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये डगर इलाके की है। डगर एक ब्लॉक है, पहाड़ी ब्लॉक बनी सब डिवीजन का, और वहां पर ये बर्फबारी का सिलसिला जो है, ये कल दोपहर से ही लगातार जारी है, आज सुबह तक अभी तक वहां पे बर्फबारी हो रही है। अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जो मौसम का मिजाज है वो भी बदल चुका है, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी कल से बारिश के छुटपुट बारिश हुई, कहीं तेज भी हुई, कहीं पर कम हुई, लेकिन लोगों ने, खासकर किसानों ने काफी राहत महसूस की है, क्योंकि जो फसलें हैं उनको पानी की बड़ी सख्त जरूरत थी। जो मैदानी इलाकों, वही पहाड़ी इलाके की बात करूं तो बर्फबारी के बाद जो उगने वाली फसलें होती हैं, वो जितनी ज्यादा बर्फबारी हो उतनी ज्यादा जो पैदावार होती है, तो उसको लेकर भी किसानों की चिंताएं काफी थी। अब बर्फबारी हो चुकी है, चाहे देर से ही हुई है, काफी देर, डेढ़ महीना से भी ऊपर का समय। और रंजीव, एक तरफ से जरूर लोगों के लिए राहत की सांस है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बर्फ से दिक्कतें भी होती हैं, चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें। तो ऐसे में प्रशासन कितना मजबूत है, प्रशासन कितनी तैयारी में है, खासतौर पर बर्फ से निपटने के लिए? अगर ज्यादा बर्फ पड़ती है तो उस समय किस तरह की जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से रखी गई है? देखिए, बर्फबारी में लोगों की जो मुसीबतें हैं वो तो जाहिर तौर पे बढ़ी ही जाती है, क्योंकि बर्फबारी के कारण अपने घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता है, हर जगह बर्फबारी के जमे रहने से वहां पे जो जनजीवन है, आम जनजीवन, वो काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों के जो वहां की लोगों के तरक्की की रफ्तार है रुक जाती है, उस दौरान लोगों को घरों में ही दुबकना पड़ता है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं वो, उनका कहना है अगर महीना दो महीने बर्फ की दुश्वारियां उनके उनको सहन भी करने पड़ी, लेकिन उसके बाद तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उनको जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोग फसलों पर निर्भर रहते हैं। पर प्रशासन की बात करूं, प्रशासन की तरफ से भी बर्फबारी के मौसम से पहले ही इंतजाम कर दिए जाते हैं। रही सरकारी राशन की बात हो तो वो पहले ही दो महीने पहले ही पहुंचा दिया जाता है सेंटरों में, उसी इलाके में जहां पर बर्फबारी वाले इलाके हैं। और उसके साथ ही जो बिजली पानी का निजाम है उस पर कहीं ना कहीं लगाम तो जरूर लगती है, इन दिनों में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से दावे तो जो है वो बड़े बड़े किए जाते हैं। मैदानी इलाके में लोग जो है इस बारिश से काफी खुश हो चुके हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रंजीव हमारे साथ बने हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से एक तरफ किसानों को राहत तो मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने चुनौती भी बढ़ जाती है, क्योंकि बिजली पानी या फिर सड़कों की खस्ता हालत हो जाती है। उसके लिए हालांकि फिलहाल प्रशासन ने दावे जरूर किए हैं, लेकिन देखना होगा कि किस सख्ती के साथ इन दावों को प्रशासन निपटने वाली है, यह आने वाला वक्त बताएगा। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर हाईवे की बद से बदतर हालत हो गई है। खास बात यह है कि संवेदनशील जगहों पर भी भारी फिसलन व टूटी फूटी सड़क वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, और संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस संवेदनशील जगहों पर आज तक कई हादसे पेश आ चुके हैं, जिनमें सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भी हाईवे की मरम्मत नहीं की जा रही है, इस खबर पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन अब बताएंगे आपको कि
जैसे जैसे बर्फ का दौर या फिर बारिशों का दौर आता है तो वैसे वैसे जम्मू श्रीनगर हाईवे की हालत भी बद से बदतर हो जाती है, यानी वहां पर जो पसियां हैं या जो सड़कों की हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उससे दिक्कत हो जाती है। फिलहाल हमारे साथ नदीम इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नदीम, जरा बताइए सड़क की क्या हालत है? हालांकि जो तस्वीरें बता रही हैं उससे साफ तौर पर यह बयां हो रहा है कि सड़क की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है, जिसमें कई बार वहां पर हादसे भी पेश हुए हैं, वहां पर कई लोगों ने जाने भी गंवाई हैं। आखिर वजह क्या है कि इस सड़क को वहां पर देखा नहीं जा रहा है? क्यों आखिर इसको इग्नोर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए शीतल, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि हाईवे, अब मौसम सर्मा में जब बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा तो हाईवे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की, न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां बटोरने में काफी अहम रोल अदा करता है। इसी का एक पार्ट अगर हम देखें कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हाईवे इस वजह से भी सुर्खियों में रहता है कि यहां पर पसिया और पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि आज की डेट में जो आप विजुअल्स में साफ देख रहे हैं, ये सड़क का वो हिस्सा है जो जिसे डेंजर जोन कहा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास नाशरी का मकाम हो, हमारे पास मिहार का मकाम हो, उसके साथ में हमारे पास कैफेटेरिया मोड़ का मकाम हो, जहां पर डेंजर जोन तो है लेकिन वहां पे रोड सरफेस बेहतर है नहीं, क्योंकि हमने देखा वहां कहीं गाड़ियों को पत्थर लगने की वजह से कहीं इंसानी जाने भी वहां पर जाया हुई, कहीं सड़क हादसा भी पेश आए हैं, लेकिन उसके बाद भी रोड सरफेस को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि हमने देखा कि एनएचआई की तरफ से कहीं बार मेंटेनेंस डे भी लिए गए, कई बार हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है कि जनाब रोड को मेंटेन करना है, रोड को बेहतर करना है, लेकिन रोड बेहतर कितना हो रहा है ये हमने देखा कि जब बारिश कल शाम को हुई और आज सुबह हम देख रहे हैं कि सड़क का हाल क्या है। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि कब एनएचआई की आंख खुलेगी, कब इस सर्फेस को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक तरफ हम देखें, क्योंकि अगर मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ को आप देखेंगे तो वहां पे शूटिंग स्टोन काफी ज्यादा होता है, लेकिन जब आपके पास सर्फेस भी बेहतर ना हो तो फिर आप अपनी गाड़ी को भगा नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन नदीम, सरकार के दावे हैं कि सड़कों को सुधारीकरण किया जा रहा है, लेकिन ये जम्मू श्रीनगर हाईवे महत्वपूर्ण हाईवे है जहां पर हजारों की संख्या में लोग दिन भर वहां पर आवाजाही करते हैं, तो ऐसे में क्यों प्रशासन की तरफ से कोई कड़ा कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है और इस तरह की तस्वीरें